पर सेक्टर 94 सुपरनोवा बिल्डिंग में रेप पार्टी पकड़ी गई है। यहां पर कई लड़के और लड़कियां ड्रग और शराब पार्टी कर रहे थे। रेजिडेंट्स की तरफ से शिकायत की गई है। बच्चों ने 19वें फ्लोर से नशे में बोतल फेंक दी, हंगामा हुआ। हंगामे के बाद पुलिस ने कई लड़के लड़कियों को पकड़ा है। दर्जनों की संख्या में यहां पर बच्चे रेप पार्टी कर रहे थे और देखिए आरोप क्या लग रहा है। 500-500 रुपए लेकर ये रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराई गई थी। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र का मामला। तो कई लड़के लड़कियों को पकड़ा गया है, हंगामा हुआ। 19वें फ्लोर से शराब की बोतल नीचे फेंकी गई, जिसके बाद रेजिडेंट्स ने इसकी शिकायत की और मामले में अब कई लड़के लड़कियों को पकड़ा गया है। देखिए 500 रुपए लेकर पार्टी ऑर्गेनाइज कराई गई थी, ये नोएडा से खबर सामने आ रही है। तो देखिए नोएडा से खबर सामने आ रही है। दानिश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश बताइए क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, कैसे ये पार्टी ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी और रेजिडेंट्स ने इसकी शिकायत की, क्या तब ये अरे पार्टी का खुलासा हुआ, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुपरनोवा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तकरीबन इसमें जो है 60 से ऊपर माले की ये बिल्डिंग है और इसी में एक फ्लैट लेकर किराए पर ये फ्लैट लिया गया था। और जो 3 से 4 लोग हैं जो नामजद किए गए हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, इन लोगों ने बाकायदा एक एड निकाला जिसके अंदर 500-500 रुपए देकर रेव पार्टी का आयोजन किया। दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए नोएडा से खबर सामने आ रही है, सेक्टर 116 रेप पार्टी के मामले पर किराए के फ्लैट पर ड्रग शराब पार्टी का आयोजन किया गया और यहाँ पर नामी यूनिवर्सिटी स्कूल के बच्चे पार्टी में शामिल थे। देखिए अपडेट सामने आ रही है इस पूरे मामले में। स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए रेप पार्टी कराई गई। देखिए किस तरह से बच्चों को नशा परोसा जा रहा है। 5 मुख्य आरोपियों समेत 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई की गई है। सुपरनोवा रेजिडेंट्स की शिकायत पर पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और देखिए रेप पार्टी में हरियाणा में प्रतिबंधित शराब भी बरामद की गई है। थाना सेक्टर 126 पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, 35 लोगों पर FIR दर्ज की गई है इस रेप पार्टी के मामले पर। तो देखिए किराए के फ्लैट पर ड्रग्स और शराब पार्टी का आयोजन किया गया था। कई नामी यूनिवर्सिटी स्कूल के बच्चे इस पार्टी में शामिल थे। नशे का कारोबार किस तरह से कराया जा रहा है दानिश, ये घटना अपने आप में बताती है। और देखिए 35 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है। जी दानिश। बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि छात्र छात्राएं देश का भविष्य हैं और इस भविष्य को बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए इस तरीके से आयोजन करते हैं। ये सुपरनोवा एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, नोएडा की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और एक पॉश एरिया है। यहाँ पर 34वें जो माला है वहां पर ये किराए पे रेंट पे लिया गया था और रेंट पर उसके अंदर लगातार पार्टियां होती हैं। रात देर रात जब 34वें फ्लोर से नीचे बॉटल्स गिरना शुरू हुई हैं तो जो वहां के स्थानीय लोग थे, रेजिडेंट थे, परिवार वहां पर रहते हैं, उन लोगों ने जब शिकायत करी तब जाके पुलिस वहां पहुंची तो देखा कोई जो जो स्टूडेंट्स हैं, कोई 12वीं का है, कोई BA फर्स्ट ईयर का है, कोई BSc सेकेंड ईयर का है, यानी ये कहें कि अभी ग्रेजुएशन भी इन बच्चों ने पूरा नहीं किया। और वहां पर हरियाणा मार का जो शराब थी उसका सेवन चल रहा था, ड्रग्स, गांजा, यानी ये कहें पूरी तरीके से नशीली और शराबी ये पार्टी थी। और इन लोगों ने महज 500-500 रुपए देकर, 500-500 रुपए का एक विज्ञापन इन आयोजनकर्ताओं ने निकाला था और उन आयोजनकर्ताओं को मालूम था कि आसपास स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्टल है। सबसे बड़ी बात की सुपरनोवा बिल्डिंग जहां पर है उसे ठीक 2 से 3 किलोमीटर पर जो है हॉस्टल सी हॉस्टल से और वहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो जानबूझकर ऐसी जगह पर ये पार्टी रखी गई कि उन बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाए। जब रेजिडेंटों ने इसका विरोध किया तो किसी ने सुनवाई नहीं की, लेकिन जब पुलिस पहुंची है तब जाके ये कार्यवाही हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में जो फार्म हाउस पड़ते हैं, फार्म हाउसों पे इसी तरीके से रेव पार्टियां बुलाई जाती हैं और अब पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि फ्लैट के अंदर। दानिश सवाल ये है, देखिए दानिश सवाल ये है, क्या पुलिस को नहीं पता था कि इस तरह की पार्टियां चल रही हैं या फिर पार्टी इस तरह की हो रही है? दूसरी बात ये है कि जो प्रतिबंधित शराब है आखिर वो कैसे वो पहुंच गई वहां पर, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? कार्रवाई उन पुलिस कर्मियों पर भी होनी चाहिए जो इस पूरे मामले में जानकारी होते हुए भी संलिप्त कहा जाए कि एक तरह से रहे हैं और कार्रवाई नहीं की गई है।
बिल्कुल देखिए, ये छोटा मामला नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे अगर 12वीं के छात्र की या छात्रा की उम्र कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे पे उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्यवाही करी जानी चाहिए जो बीट कांस्टेबल था, बीट चौकी इंचार्ज था, उसके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए कि आखिर आप कर क्या रहे थे। क्योंकि रात में 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बज सकता, रात के 10 बजे के बाद कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है एक फ्लैट के अंदर, क्योंकि ये इतना ऊंचा फ्लैट, ये उतनी ऊंची बिल्डिंग है कि बाहर सड़क से ही इसमें नजर आ जाएगा, गोल बिल्डिंग है, चारों तरफ से आदमी देख सकता है कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां डीजे बज रहे हैं, कहां से इस तरीके का शोर शराबा हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जो हरियाणा मार्ग का शराब यहां बरामद हुई है, आखिर वो किसने सप्लाई करी, तो कहीं ना कहीं अभी सिर्फ जो पांच आयोजन करता है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 35 छात्र छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज करी है, और जो ये विज्ञापन जिस तरीके से व्हाट्सएप पे फैलाया गया, वो विज्ञापन सिर्फ छात्र छात्राओं को क्यों मिला, बाहर के युवक युवतियों को क्यों नहीं मिला? तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा टारगेट करना है ऐसी पार्टियों को लेकर छात्र। बिल्कुल, देखना ये होगा कि आखिर इन पूरे नेक्सस को कैसे तोड़ा जाता है।